हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि FYJC में महाराष्ट्र बोर्ड ने बहुत सारे कॉलेज में डिसाइड किया है जो उनका टेस्ट या टर्म्स एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। और ऑनलाइन मोड में क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे, जिसके अंदर आप देखोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, राइट द वन टर्म, ये सब होंगे। तो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट बुक, मतलब आपका जो टेक्स्ट बुक है FYJC का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इस क्लिप को देखो। मैं हर एक सेंटेंस को या क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बस वही क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है ऐसा नहीं, उसके अलावा इससे रिलेटेड कोई दूसरे क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो यहाँ पे नहीं है वो भी आपको एग्ज़ाम में करने आ जाएगा। तो लेट्स बी स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हाँ सर, तो सबसे पहला है गिव द वर्ड टर्म और फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको एक वर्ड देना है पूरे सेंटेंस के लिए। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, बुक में लिखते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज ए बुक कीपिंग। तो इसका आंसर होगा बुक कीपिंग। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज बुक कीपिंग। आप देखते हो कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, वो हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं। तो वो जो उस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, मेंटेन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज ए बुक कीपिंग। सेकेंड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। मेरे बिजनेस में मैं ओनर हूँ और मैं एज ए प्रोप्राइटर, एज ए ओनर, जो भी मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा उसे अकाउंटिंग टर्म क्या है, कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस इज नोन एज ए कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल। इसका आंसर था बुक कीपिंग। अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेबल। आप देखते हो कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन आउटसाइडर के साथ होता है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन आउटसाइडर के साथ होता है, तो उसमें परचेज ऑफ गुड्स होगा, सेल ऑफ गुड्स होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, कैश पेड टू द सप्लायर, इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। यहीं से एक टर्म तैयार होता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का। ट्रांजेक्शन्स में हम देखते हो कि कैश ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। कैश ट्रांजेक्शन में तो आपको जैसे आप सेल करते हो आपको पैसे मिल जाते हैं, मीन्स गुड्स परचेज और सोल्ड फॉर द इमीडिएट कैश पेमेंट। लेकिन वहीं पे जब हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन पेमेंट इज पोस्टपोन्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड। जैसे हमने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट पे, उधारी पे पैसे देने हैं, तो जिस कंपनी या जिस सप्लायर को या जिस पर्सन को हमको पैसे देने हैं एज अ बिजनेस, याद रखना एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है बिजनेस,
तो गुड्स परचेज फ्रॉम पर्टिकुलर कंपनी ऑन क्रेडिट, तो पैसे देने हैं पेबल, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। और ग्रुप ऑफ द क्रेडिटर्स क्या हो जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो पर्सन टू होम अमाउंट इज पेबल, पेबल इज नोन एज ए क्रेडिटर्स। अब इसको उल्टा कर दो, हमने कस्टमर को सेल किया है क्रेडिट पे और उसने बोला कि सर बाद में पैसे ले लेना, तो एज अ बिजनेस हम क्या बोलेंगे? अमाउंट इज रिसीवेबल। तो पर्सन फ्रॉम होम द अमाउंट इज रिसीवेबल इज कॉल्ड एज ए डेटर्स। तो क्रेडिटर्स पैसे देने हैं और डेटर्स पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्सचेंज सॉरी अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेबल इज नोन एज क्रेडिटर्स। ओके सर। एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में क्या होता है? ट्रांजेक्शन। तो डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन इज नोन एज ए ट्रांजेक्शन। सामान दिया पैसे लिए, पैसे देके सामान लिया, इस तरह का ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द इनकम, अगर हमारा एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कि हमको क्या हो जाएगा बिजनेस में? लॉस। और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंस होगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ओके सर। अ पर्सन हुज असेट्स आर सफिशियंट इनफ टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशन। देखो हम बिजनेस में, हमारे पास असेट्स जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, लाइबिलिटीज जो हमारा ऑब्लिगेशन होता है। तो बिजनेस का असेट्स उसके ऑब्लिगेशन उसके लाइबिलिटी से ज़्यादा है, अगर कभी हमारा बिजनेस बंद हुआ या बिजनेस में अचानक लॉस हो गया तो पैसे मांगने के लिए सब आ जाते हैं। जैसे उनको पता चलता है कि अब बिजनेस बंद होने वाला है, पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सफिशियंट असेट्स है, प्रॉपर्टी है, तो हम सबका पेमेंट कर सकते हैं। तो मार्केट में ऐसे कंपनी को, ऐसे बिजनेस को बोलते हैं दे आर सॉल्वेंट पर्सन। तो हम क्या हो जाएंगे? सॉल्वेंट पर्सन मीन्स माय असेट्स इज मोर देन माय लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस। अब ये उल्टा कर दो, इफ माय लायबिलिटी इज मोर देन द असेट्स तो मैं क्या हो जाऊंगा? इनसॉल्वेंट, कंगाल। तो यहां पे क्या लिखा है, अ पर्सन हुज असेट्स आर सफिशियंट इनफ टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशन दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन। और उल्टा हो गया तो इनसॉल्वेंट। आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो सेम वही है बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग। जब भी हम बिजनेस के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स में लिखते हैं तो सबके बस की बात नहीं, इट नीड्स प्रैक्टिस, टैलेंट, नॉलेज। इसलिए बुक कीपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट एंड द साइंस। साइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट रिक्वायर्स द साउंड नॉलेज कि किस तरह से रूल्स हमको यूज करने हैं। इसलिए बोलते हैं बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय द प्रोपराइटर, बिजनेस के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होता है उसे हम लोग बोलते हैं असेट्स। देखो बिजनेस के अंदर फर्नीचर है, वो फर्नीचर हमने कंपनी के नाम से लिया था। बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी है, बिजनेस का लैंड एंड बिल्डिंग है, बिजनेस के नाम पे एयर कंडीशन है, वो बिजनेस के नाम पे होना चाहिए, उसको बोलते हैं ओन्ड बाय द प्रोपराइटर या ओन्ड बाय द बिजनेसमैन, उसको हम असेट्स बोलेंगे। कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो बिजनेस के नाम पे नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू द बिजनेस, दैट इज नॉट द असेट्स, ये याद रखो। असेट्स विच रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश, कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश, थोड़ा सा देख लो, इन टू कैश, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, इन टू कैश वेरी इजिली।
जब हम लोग असेट्स की बात करते हैं तो असेट्स में आपको तीन टाइप का असेट्स दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। तीन टाइप के असेट्स होते हैं, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। असेट्स में फिक्स असेट्स, करंट असेट्स और एक होता है फिक्टिशियस असेट्स। तीनों बिलोंग्स टू द बिजनेस है, बिजनेस के नाम पे ही है, लेकिन कुछ असेट्स जो होता है उसका जो फॉर्म होता है, उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बिजनेस के नाम पे एक प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर लिया है, बिजनेस के नाम पे मोटर कार ले लिया है। अब उस मोटर कार को आप कम से कम 2-3 साल तो यूज़ करोगे, तो ये क्या हो गया लॉन्ग टर्म असेट्स। वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लैंड एंड बिल्डिंग, जब तक बिजनेस होगा आपके पास वो लैंड और बिल्डिंग आप रखते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 1 ईयर आप बोल सकते हो। तो ऐसे असेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड असेट्स, दैट इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स असेट्स में भी आप देखोगे तो हमारे पास दो असेट्स बनते हैं, टांजिबल असेट्स और इनटांजिबल असेट्स। द असेट्स दैट वी कैन टच, फील या फेल्ट और वी कैन सी, दैट इज कॉल्ड एज द टांजिबल असेट्स। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मेरे आँख के सामने कंप्यूटर हो गया, ये सब फिक्स असेट्स है, लेकिन सब क्या है, टांजिबल फिक्स असेट्स है। एट द सेम टाइम कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई तो नहीं पड़ते, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वी कैन अर्न। अब देखते हैं ना, किसी शॉप में किसी फिल्म स्टार को आप बुला बुला लो तो अपने आप उस शॉप का मार्केट में नाम हो जाता है, तो वो फिल्म स्टार के गुडविल जो थी वहाँ पर यूज़ हो गई और बिजनेस का नाम हो गया, उस ब्रांड का नाम हो गया। तो ये भी क्या हो गया कि आपको अर्निंग को बढ़ाने के लिए काम आता है, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल, रेपुटेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब क्या है, इनटांजिबल असेट्स, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द फिक्स असेट्स। और जो करंट असेट्स होता है इट चेंजेस इट्स फॉर्म, आज हमारे पास ज़्यादा है फिर कल कम हो गया फिर ज़्यादा हो गया, जैसे कि कैश बैलेंस, ये क्या है, करंट असेट्स। विद इन अ ईयर, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट चेंज इट्स फॉर्म, बैंक में इस समय इतना बैलेंस है, कल देखोगे कम हो गया ज़्यादा हो गया, दैट इज करंट असेट्स। कैश, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, ऑल आर द करंट असेट्स। और जो फिक्टिशियस असेट्स होता है, ये असेट्स कैसा है, लॉन्ग टर्म की तरह होता है लेकिन इसका बेनिफिट हमको इमीजिएटली नहीं होता। जैसे कि आपने मोटर कार खरीद लिया, वो फिक्स असेट्स है और मोटर कार का यूज़, उसका बेनिफिट हमको आज से होना चालू हो जाएगा, सेम ईयर से होना चालू हो जाता है। कंप्यूटर आप लेके आओ, दैट इज़ फिक्स असेट्स है, कंप्यूटर आपने चालू कर दिया उसका यूज़ होना चालू हो गया, यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट इन द सेम ईयर फ्रॉम द सेम डे। लेकिन फिक्टिशियस असेट्स जो होता है ना वो हमको बेनिफिट देगा लेकिन नॉट इन द सेम ईयर बट इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में होगा। मतलब उससे हमको बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा, पहले आपको स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे कि हैवी एडवर्टीजमेंट, आप खर्च करते हो, कोई फिल्म रिलीज होने वाली है लेकिन 3-4 महीने पहले आप उसका ट्रेलर दिखाओगे, फिर उसके बाद में उसका एडवर्टीजमेंट करोगे, पब्लिसिटी करोगे, कितने खर्च करोगे, उसके बाद उसका बेनिफिट जब रिलीज हो जाता है तब होता है। तो ऐसे जो असेट्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस असेट्स। तो फिक्स असेट्स, करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। फिक्स असेट्स में टांजिबल असेट्स और इनटांजिबल असेट्स है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असेट्स विच रिमेन इन द बिजनेस ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश वेरी इजिली, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट असेट्स। एक करंट असेट्स को लिक्विड असेट्स भी बोलते हैं। लिक्विड असेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम इमीजिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका लैंड है उसको आपको बेचना है तो आपको टाइम लगेगा, आपको क्लाइंट कस्टमर नहीं मिला तो आप बेच भी नहीं पाओगे,
लेकिन वहीं आपके पास गोल्ड है, आपके पास दुकान में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस है, ये सब क्या लिक्विड एसेट्स है, कभी भी आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अलाउंसेस गिवेन ऑन द कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट में आप देखोगे दो टाइप का होता है, एक तो आप जब हैवी परचेस करते हो तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, एक साथ ज़्यादा माल खरीदते हो तो आपको रेट में फ़र्क पड़ जाता है, कम रेट लगता है, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग अलाउंस इज गिवेन ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स। आपको लिस्ट प्राइस के ऊपर जो प्राइस होगा उस पर आपका कम हो जाएगा। लेकिन कैश डिस्काउंट एक जो दूसरा होता है वो कैश पेमेंट पे होगा, अगर आप जल्दी से जल्दी पैसा दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो रेट में कम होता है, बिल बनने के पहले सब कुछ कम हो जाता है, तो उसको आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बार्गेनिंग से हो जाता है। लेकिन एक बार बिल बनने के बाद जब डिस्काउंट होगा तो आपका डिफरेंस तो दिखेगा, इसलिए कैश डिस्काउंट को आपको बुक में लिखना पड़ता है। ते हो गया आपका फर्स्ट का, मतलब क्वेश्चन नंबर टू है ये पूरा हो गया। आप चाहे तो इसको वापस से एक बार रीड करो, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में स्टडी करने के लिए। चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवेन बिलो एंड री राइट द स्टेटमेंट। ठीक है सर, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है लेकिन सेंटेंस को आपको वापस से लिखना है बोला है। सरप्लस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंसेस, अभी बताए कि हमारा इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल पेमेंट रिसिप्ट एंड एक्चुअल पेमेंट आर रिकॉर्डेड। देखो अकाउंट्स के अंदर सिस्टम है, अक्रूवल सिस्टम होता है और एक होता है कैश सिस्टम। अक्रूवल सिस्टम में क्या होता है कि अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो आपको लिखना है, उसमें पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपको माल दिया, पैसे आप बाद में दोगे तो भी मैं लिख दूंगा, लाइट यूज़ किया मैंने, मैंने किसी रेंटेड ऑफिस को यूज़ कर रहा हूँ और मैं रेंट नहीं दे रहा हूँ, बाद में दे दूंगा, तो पेमेंट पे ध्यान नहीं देना है। आपने वो महीना अगर ऑफिस को यूज़ किया है, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका आपको एंट्री पास करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अक्रूअल सिस्टम। अक्रूअल सिस्टम में पेमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, अक्रूअल सिस्टम में ट्रांजेक्शन इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे कैश सिस्टम की जब बात करते हैं तो कैश सिस्टम में जब तक आपको कैश मिलेगा नहीं या कैश का पेमेंट आप नहीं करोगे, आप ट्रांजेक्शन को नहीं लिखते हो। जनरली देखा गया है कि कैश सिस्टम जल्दी यूज़ नहीं होता है, ये नॉर्मली कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि कोई ऐसा ट्रस्ट है जहाँ पर कोई डोनेशन देता है, अब अनाउंस करके चले गया और डोनेशन उसने नहीं दिया तो आप उसकी एंट्री कैसा पास करोगे, तो जब तक कुछ मिलता नहीं आप उसकी एंट्री नहीं पास करोगे, तो वहाँ पे कैश सिस्टम ठीक है नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में। लेकिन एक्रुअल सिस्टम आप मोस्टली जितने भी बिजनेस है आज के तारीख में मार्केट में, वहाँ पर एक्रुअल सिस्टम ही यूज़ होता है। एक्रुअल सिस्टम का दूसरा नाम है मर्केंटाइल सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम अक्रूअल सिस्टम पे ही बेस्ड है। अब यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैश सिस्टम, कैश बेसिस। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर इज नोन एज बैड डेट्स। डेटर्स जिससे पैसे लेने हैं वो हमारा पैसा डुबा दिया तो क्या हो गया, बैड बैड डेब्ट्स, नॉन रिकवरी ऑफ द डेब्ट्स फ्रॉम द कस्टमर। तो बिजनेस में ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर हमारा पैसा डुबा देते हैं, या उनका बिजनेस बंद हो गया तो हमारा पैसा डूब जाता है, या उनकी डेथ हो गई तो अब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट
accounts must be honestly prepared and they must disclose all material information is known as. देखो हर चीज अकाउंट्स में आपको दिखानी है. कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो मॉनेटरी फॉर्म होती है तो आपको टेबल में दिखाई पड़ता है, अमाउंट में दिखाई पड़ता है. लेकिन जैसे आपने कौन सा मेथड यूज किया है कैलकुलेशन के लिए, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसको फिर भी आपको नोट के फॉर्म में लिखना पड़ता है. इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्लोजर कंसेप्ट, डिस्क्लोजर कंसेप्ट. तो डिस्क्लोजर कंसेप्ट के हिसाब से आपको ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है उसको दिखाना ही है. जैसा आप मशीन परचेस करते हो तो दिखेगा, लेकिन आप डेप्रिसिएशन उसका जब करते हो, कोई स्टॉक का कैलकुलेशन करते हो, तो मेथड आपने कौन सा यूज़ किया, क्योंकि अलग अलग मेथड से कैलकुलेशन होता है, तो नोट के फॉर्म में आप लिख सकते हो. हमारे कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी है या कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो पर्टिकुलर इवेंट होगा तो ही हो सकता है, जैसे कि कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है. ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होता है, तो आपको उसको नोट के फॉर्म में लिखना पड़ता है. तो ये क्या हो गया आपका डिस्क्लोजर कंसेप्ट. अ कमोडिटी इन विच अ ट्रेडर डील्स इज नोन एज ए गुड्स. कपड़े वाले के लिए कपड़ा क्या हो गया, गुड्स. इन विच ही रेगुलरली डील्स, दैट इज कॉल्ड गुड्स. नेक्स्ट है डैश means a reputation of business valued in terms of money. अभी बताया reputation of business is known as a goodwill. और आज के तारीख में जिस कंपनी का goodwill है मार्केट में, अब ये goodwill बनता कैसा है, because of hard work, providing the good services, giving the quality product, having the good relation between the customers, तब जाके आपका goodwill बनता है. हर एक दुकान में गर्दी नहीं होता है, हर एक बिजनेस का प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सेल नहीं होता है, खाली वही प्रोडक्ट सेल होता है जिसका गुडविल है. अकॉर्डिंग टू डैश कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ विच द प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड. देखो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट को तो हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, बस उसका आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखो, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है. मतलब ऐसा बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में आज कंपनी को ये बताना पड़ता है कि जो पूरे साल में कैश आया और पूरे साल में कैश गया, तो आने का सोर्स और जाने का सोर्स, मतलब वेयर फ्रॉम वेयर यू गेट द मनी एंड वेयर यू अप्लाई दिस फंड, इस सब का एक अलग स्टेटमेंट बनता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. उसको बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. ओके. इमीडिएट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉस इज सपोर्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. सर कंजर्वेटिज्म क्या है, बिजनेस में जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, उसे आपको लिखना पड़ेगा. जैसे कि कोई डेटर्स है जिससे हमारा पैसा अभी तक आया नहीं है, 6-7 महीने हो गए, तो डाउट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. तो हालांकि अब हमारा पैसा डूबा तो नहीं है, चांसेस है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड लॉस. तो अकाउंट्स में आपको उसको लॉस बता देने का, तो अकॉर्डिंग टू द विच कंसेप्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म क्या करता है कि आपको बोलता है कि प्ले द सेफ गेम, प्ले द सेफ गेम. नेक्स्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री इज कॉल्ड एज ए. एंट्री को एक्सप्लेन करना है तो आप क्या लिखते हो ब्रैकेट में, नरेशन. जैसे आप लिखते हो ना कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अभी इस एंट्री को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या लिखते हो, नरेशन, दैट इज कॉल्ड नरेशन. एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग्स सर्विसेज बिटवीन द टू पार्टीज इज टर्म एज. ये जब हम एक्सचेंज करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन. पैसा दो सामान लो, ये सब क्या हो गया. नेक्स्ट है
state whether the following statement are true or false with reason. Bookkeeping and accounting are one and the same thing. Bookkeeping आपको ये बोलता है कि you have to record in the books of account, उसको बोलते हैं bookkeeping. लेकिन accounting क्या है, आपको rules बताता है how to pass the entries, where to record, whether on debit side और क्रेडिट साइड, ए मेथड है. तो बुक कीपिंग ऐसा बोल सकते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि इस पेज पे आप लिखते जाओ. जैसा गेट कीपर होता है, अब उसको बोलते हैं नाम, मोबाइल नंबर, ये सब लिख दिया, बोल दिया कर, वो लिख देंगे. दैट इज़ बुक कीपिंग, जूनियर अकाउंटेंट जो होते हैं. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि यहाँ पे क्यों लिख रहे हो, डेबिट में क्यों है, क्रेडिट में क्यों है, वो क्या हो गया अकाउंटिंग. इससे इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, फॉल्स. कंजर्वेटिज्म मींस टू फॉलो द सेफ साइड, अभी बताया वी हैव टू फॉलो द सेफ साइड, ट्रू. डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ट्रू, क्योंकि इसमें दो एस्पेक्ट होता है, डेबिट एंड द क्रेडिट. यस सर. फिर आगे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन असेट्स ऑफ बिजनेस. बैंक बैलेंस असेट्स होता है पॉजिटिव, और वही नेगेटिव बैंक बैलेंस हो गया तो क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स. सॉल्वेंट पर्सन इज ए पर्सन हुज असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज, यस, ट्रू. कैश डिस्काउंट डज नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉल्स. ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपियर. अ ट्रांजेक्शन कंसर्न विथ मनी और मनीज वर्थ, वही ट्रांजेक्शन आप बुक्स में लिखोगे जिसका मॉनेटरी वैल्यू होता है. तो यहाँ पे लिखा है मनी और मनीज वर्थ, ट्रू. बार्टर सिस्टम जिसका वैल्यूएशन नहीं होता है बुक्स में नहीं लिख सकते. अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यस, ये बहुत बहुत अच्छा लाइन है. जैसा कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, अपना एक मेथड, अपना एक स्टाइल होता है, वैसा अकाउंट्स का भी एक स्टाइल है, अपना लैंग्वेज होता है. योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर अकाउंट इज डेबिटेड, दैट इज द लैंग्वेज, ट्रू. इन अर्लियर टाइम्स ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वॉज डन बाय ओनर्स. उस समय याद है जो भी रिच लोग होते थे, रिच लोग उनके अंडर मुनीम होते थे, तो उस समय तो देखा जाए तो मुनीम लोग लिखते थे, ओनर ऐसा कुछ करता नहीं था. तो दिस इज फॉल्स. बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटीज. सीधा हिसाब है, आपको प्रॉफिट निकाल के ही टैक्स भरना होता है, क्योंकि टैक्स ऑन द प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट के लिए आपको इनकम और एक्सपेंस पता होना चाहिए, तो इनकम और एक्सपेंस के लिए आपको रिकॉर्ड पता होना चाहिए, आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. तो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट लिखा है डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू द ओनर, नहीं भाई, ओनर के लिए तो यूजफुल है, इन्वेस्टर हो गए, बैंकर्स हो गए, मतलब कई लोग होते हैं जिनको अकाउंट्स को देख के भरोसा होता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है. इट इज ओनली यूजफुल टू द ओनर बोलना गलत है, तो डिसएग्री. बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस, अग्री. बिल्स पेबल इज एन असेट्स ऑफ द बिजनेस, देखने से मालूम पड़ता है कि पेबल है, देना है, दैट इज लायबिलिटी नॉट द असेट्स, तो डिसएग्री. वहीं पे बिल्स रिसीवेबल होता तो हम अग्री बोल सकते थे. इन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी ओनली नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, डिसएग्री. ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. द असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर कॉल्ड फिक्स असेट्स, अग्री. अभी करा है मैंने. नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रिवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज.
रिवेन्यू जो होता है वो अराइज होता है, तो उससे हमको क्या मिलता है, इनकम। तो रिवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज इनकम। तो रिवेन्यू को आप इनकम बोल सकते हो। यस सर। एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज, एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। देखो अगर देखा जाए तो इसके लिए अलग अलग टर्म यूज़ होते हैं, लेकिन तुम्हारे टैक्स बुक में जो टर्म है उसी को ही बताऊंगा मैं। हम बिजनेस जब करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस है, जैसे कि अभी हम लोग खाली फैक्ट्री लेवल पे परचेस के टाइम पे जो भी एक्सपेंस होता है जिसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस बोलते हैं। अगर मैं वहीं तक प्रॉफिट बोलूं, और भी एक्सपेंस बाकी है, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, तो उस प्रॉफिट को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और उसके बाद के एक्सपेंस को माइनस कर दूँ तो फाइनल जो प्रॉफिट आया उसको नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख सकते हो। बहुत लोग नेट प्रॉफिट टर्म भी यूज करते हैं। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रिवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। मैं बताया ना कि आने वाले टाइम में बेनिफिट होता है, हालांकि उसको फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर वर्ड लिखो तो उसको बोलेंगे डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। और याद है अगर एक ही साल बेनिफिट देता है तो उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसको कई सालों तक अगर कोई बेनिफिट देता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो फ्यूचर में बेनिफिट दे उसको बोलते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। द पर्सन डिडक्टेड बाय अमाउंट, सॉरी अमाउंट डिडक्टेड बाय सेलर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल इज ट्रेड डिस्काउंट। वो तो अभी बताया मैंने, डिडक्टेड, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी फॉर द गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज, पैसे हमको देने हैं क्रेडिटर्स, लेने होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डेटर्स। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में जो भी एमसीक्यू है ऑब्जेक्टिव से हमने पूरा कर दिया। तो याद से धीरे धीरे इस क्लिप को देखो, आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, और जितने टाइप के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव दिया वो भी बताया, और बियॉन्ड दैट जो पॉसिबिलिटी है वो भी मैंने कर दिया। थैंक यू।